पुलिस अधिकारी के साथ तहसीन जैदी अभी जुड़े दिख रहे हैं, उनका रुक कर रहे हैं। मुठभेड़ में टॉप नक्सल कमांडर के ढेर होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा से बातचीत की है, 29 नक्सलियों के मारे जाने का पूरा अपडेट लिया है। सीधे हमारे सहयोगी तहसीन जैदी का रुक कर रहे हैं। तहसीन, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, आप परिचय कराएं और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से बातचीत करें। जिस तरीके से आज कांकेर जिले के जो छोटे बेटिया थाना अंतर्गत एक बड़ी सफलता सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली है, जिसमें अगर बात करें बीएसएफ भी उसमें शामिल थी, डीआरजी भी शामिल थी और जो जिला बल थे वो भी शामिल थे, पिन पॉइंट लोकेशन मिली थी, उसके बाद एक बड़ा ऑपरेशन यहाँ पे किया गया और अभी तक जो जानकारी मिल पाई है 18 जो नक्सली हैं उनके शव बरामद हो गए और ये 29 के मारे जाने की यहाँ पे खबर आई है। हमारे साथ खुद बीएसएफ के डीआईजी आलोक जी हमारे साथ हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये कि एक बड़ा ऑपरेशन बीएसएफ ने किया है इसमें और साथ में और एक बड़ी सफलता यहाँ पे मिली है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। दूसरा, ये किस तरीके से ऑपरेशन ये किया गया था, क्योंकि बहुत दुर्गम इलाका है जो अबुझमाड़ का जो इलाका है, और किस तरीके से, तो हमारे थोड़े दर्शकों को समझाएंगे आप किस तरीके। देखिए, ये एक बीएसएफ के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की यह बहुत बड़ी सफलता है और हम काफ़ी दिनों से नक्सल के हमको सूचना मिल रही थी, इंटेलिजेंस मिल रही थी और पुलिस और हम लोग उसके ऊपर बहुत दिनों से काम कर रहे थे और नक्सल कमांडर, नक्सल के जो सीनियर कमांडर्स हैं उनका मूवमेंट हम लगातार देख रहे थे। और आप देख रहे हैं, ये नारायणपुर का बॉर्डर है और ये हमारी कोटरी रिवर है, उसके इस तरफ ये छोटी बेटिया वाला इलाका है, उसके पूर्व साइड में ये नक्सल यहाँ पर अपनी जनताना सरकार और यहाँ पर अपना गढ़ बनाने की कोशिश कर रहे थे। और लेकिन उन्हें कभी अंदेशा भी नहीं था कि पहली बार पुलिस और बीएसएफ मिलकर एक हॉट परस्यूट का ऑपरेशन करेगी और उन दुर्गम पहाड़ियों में जहां नक्सल अपने बेस बना के निश्चिंत रूप से अपने सीनियर कमांडर के साथ मीटिंग करते थे कि यहां पुलिस आके उनको चुनौती देगी। लेकिन ये हमारे सरकार का मनोबल था, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को दिए गए डायरेक्शन का कमाल था कि हमने एक महीने की जो अपनी मेहनत लगातार प्रैक्टिस थी वो आज यहाँ सफलता मिली और ये पर्टिकुलर जगह जहाँ आप देख रहे हैं हैपातोला की, यहाँ पर नक्सल के कमांडर्स के लिए हम सुबह सुबह इस तरफ से मूवमेंट करते हुए आए, यहाँ पे उनके गुप्तचरों ने उनको सूचना दी, हमें इसकी खबर मिल गई कि उनको सूचना मिल गई है। हमने अचानक जो सबसे कठिन रास्ता था, क्योंकि नक्सल का एक प्लान था कि वो ईस्टर्न साइड में आराम से जंगल की पहाड़ियों में भाग जाएंगे, क्योंकि इन हाइट्स में नक्सल को चैलेंज करना बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी चूक हुई कि हमारी कमांडो टीम जिसको रमेश चंद्र चौधरी लीड कर रहे थे वो इस डायरेक्शन पे आए और आने के बाद उनके फायर उनके ऊपर नक्सल ने किया, उनके पैर में बुलेट लगी, लेकिन उनके साथ सारे लोग ऑटोमेटिक्स वेपन लिए हुए थे और उन्होंने भारी तादाद में फायर किया जिससे नक्सल के कमांडर्स की काफ़ी कैजुअल्टी हुई। और उसके पास नक्सल के लिए और कोई रास्ता नहीं था बल्कि ये जो नाला दिख रहा है आपको वेस्टर्न साइड में अलग अलग साइड में भागना, और यही हमारी स्ट्रेटजी का हिस्सा था। और इसलिए जैसे ही वो भागना शुरू किए, डीआरजी ने हॉट परस्यूट ऑपरेशन करके, पुलिस ने जान हॉट परस्यूट ऑपरेशन करके अपनी जान की परवाह न करके लगातार उन पर फायर किए, हमारे दो पुलिस के जवान घायल हुए। लेकिन इतनी कम नुकसान के साथ इतनी बड़ी सफलता तभी संभव हो पाई क्योंकि पुलिस और बीएसएफ काफ़ी देर से प्रयास कर रही थी और ये निश्चित रूप से कांकेर की जनता को एक बहुत बड़ा पुलिस की तरफ से तोहफा है। और ये इलाका जो कि अबुझमाड़ था, जिसमें नक्सल हमेशा दावा करते थे कि यहाँ रह के वो लूटपाट और अपनी फिरौती अपहरण और जितनी भी वसूली की घटनाएं हैं वो यहां से अंजाम दे पाएंगे, लेकिन इस कठिन डायरेक्शन से ऑपरेशन करके आज पुलिस ने ये इतिहास रचा है। आलोक जी, ये तो हो गया, ये एक थोड़ा तफसील से समझाएंगे कि इसमें कि किस तरीके का इलाका है, कितना दुर्गम है, आपके जो जवान थे कितने उसमें शामिल थे, तो थोड़ा हमारे दर्शकों की बात फिर से समझाएं। देखिए, बिल्कुल मैं आपको विस्तार में बताता हूँ कि अगर ऑपरेशन में देखें, ये हमारी कोटरी रिवर है और ये वल्लर रिवर है, ये इस तरफ से जा रही है और ये छोटी बेटिया वाला इलाका है जहाँ पे कि मतलब एक हमारा बेस है। इसके अलावा इधर संगम साइड से भी हम ऑपरेशन प्लान कर रहे थे, महला से और कटगांव से भी ऑपरेशन प्लान कर रहे थे, तो हमारी पुलिस की टीम इन जगहों पे लगातार तैनात थी। दूसरी चीज़ कि हमें लगातार जो घटनाएँ
बीजापुर और उस साइड में हो रही थी और नारायणपुर साइड में हो रही थी, उसके ऊपर हमारी पैनी नज़र थी और पूरे प्रदेश में हमारे डीजी पुलिस और हमारे जो इंटेलिजेंस के अलग अलग एजेंसीज हैं, और उन सब का नाम लेना उचित नहीं होगा, उन सब के साथ लगातार हम अपनी सूचनाओं को साझा कर रहे थे और जो आप देख रहे हैं इस इलाके में ऑपरेशन कर रहे थे। तो इस इलाके में ये वाला इलाका जो है, ये वाला यहाँ इस कोठरी रिवर के इस तरफ का, ये बहुत दुर्गम इलाका है और नारायणपुर का बॉर्डर होने के नाते, और ये यहाँ पे काफ़ी पहाड़ियाँ काफ़ी ऊंची हैं और यहाँ पॉपुलेशन बहुत डिस्पर्सली पॉपुलेशन है। तो उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इस पर्टिकुलर ऑपरेशन में पुलिस इतने डीप ऑपरेशंस करेंगी, और हमारी जो स्ट्रेटजी थी कि हॉट परस्यूट ऑपरेशन को ज़्यादा करना है, स्मॉल एक्शंस टीम का ऑपरेशन करना है, फोर्स डिपिक्शन एंड प्रेजेंटेशन को डिफरेंट डायरेक्शन से रखना है, तो निश्चित रूप से नक्सल कमांडर अभी इस स्ट्रेटजी को भाप नहीं पाए थे और उन्हें यही नहीं अंदेशा था कि हम वेस्टर्न साइड में क्या करने जा रहे हैं और ईस्ट नॉर्दर्न साइड में क्या करने जा रहे हैं, और ये उनके द्वारा बहुत बड़ी चूक थी और निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी चोट है, क्योंकि एरिया कमेटी के ऊपर अटैक करना, LOC पे अटैक करना, तो आप आए दिन देखते हैं, ये पहली बार हुआ है कि जबकि डिवीज़न ध्वस्त हुई है। तो निश्चित रूप से जो कांकेर में व्यापारी वर्ग है, किसान वर्ग है, तेंदूपत्ता के छोटे छोटे लोग हैं, इन सबको काफ़ी प्रोटेक्शन मिलेगा और वो एक आराम की ज़िंदगी करेंगे। और यहाँ पर अब जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं कि काफ़ी विस्तार किया जाए और जितनी भी स्कीम्स हैं जो दूर के गांव हैं उनमें इस जो विकास वाली नीतियां हैं वो हर जन तक पहुंचे, उसको सफलतापूर्वक लागू करने में सफलता मिलेगी। आलोक जी, हमेशा हमारे पब्लिक इस बात को जानती है कि, और अभी तक ये समझती थी कि BSF मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मतलब सीमा पे ही वो तैनात रहेगी, लेकिन जिस तरीके से अगर पिछले दिनों की अगर बात करें, उन ऑपरेशनों की बात करें, उसके बाद ये वाला जो ऑपरेशन की बात करें, निश्चित तौर पे काफ़ी अहम रोल रहा BSF का भी, तो इस तरीके क्या इनके लिए कुछ अलग से, क्योंकि ये एक वॉर ऑफ शेडो है, और अगर बात करें तो सीमा पे बात करें तो वो आमने सामने की लड़ाई है, तो इसमें किस तरीके से अपने जवानों को तैयार किया गया? देखिए, BSF के लिए इस किस्म के हालात से निपटने की चुनौती यह कोई पहली नहीं है। इससे पहले हम पंजाब में काफ़ी वहाँ पे आतंकवाद के खिलाफ BSF ने बहुत अच्छा काम किया और जिससे कम समय में ख़त्म हुआ। इसके बाद हम 89 से कश्मीर में फॉरेन ट्रेंड मिलिटेंट से लड़ रहे हैं और इसी किस्म के पहाड़ी इलाकों में लड़ रहे हैं। तो BSF की जो एक अपनी स्ट्रेटजी रहती है, हम बिना पब्लिसिटी में आए, बहुत ज़्यादा बिना अपने को प्रचारित किए और चुपचाप ऑपरेशन करते हैं। तो यहाँ भी हमारी करीब 8,000 के ज़्यादा नक्सल के ऊपर इस पर्टिकुलर इलाके में जगह जगह पर तैनात हैं, तो हमने अपनी चीज़ों को पुलिस के साथ मिक्स कर रखा है और पब्लिक डोमेन में ना आके, लेकिन जो हमारी एक हिस्टोरिकल जो बैकबोन सपोर्ट है, जो ट्रेनिंग का स्टैंडर्ड है, और जो इस किस्म के हालात में लड़ने की चुनौतियों को और ट्रेनिंग को हमने अपने अंदर हमारे जवानों ने सजो रखा है, वो निश्चित रूप से काम में आता है। और इसको जैसे जैसे प्रशासन इस्तेमाल करता जाएगा, इस किस्म की और भी चुनौतियों को हम अच्छे से अंजाम दे पाएंगे। और जैसा कि कोशिश की जा रही है कि छत्तीसगढ़ को नक्सल से मुक्त किया जाए, तो इसमें हम कोई भी अहम चुनौती लेने के लिए तैयार हैं। फिर अपन इस पे बात पे आ जाते हैं मुठभेड़ पे, कि ये जिस तरीके से अगर बात करें, अभी आप बता रहे थे काफ़ी पहाड़ी है, तो क्या अपनी फोर्स वहाँ पे भी थी जो तैनात, क्योंकि चारों तरफ से घेर के मारा गया है, किस तरीके का ऑपरेशन या प्लानिंग रही है, क्योंकि ऑपरेशन तो हो चुका है, तो उसके बाद की अगर बात करें तो? हाँ, देखिए कि अगर आपको मैं वापस इसी मैप पे ना, जरा 3D घुमाइएगा कि अगर आप इसमें देखें कि ये, अगर आप ये 3D रुख पे अगर जाएं, ज़रा और 3D पे लाइए और लाइए, तो आप देखेंगे कि इस पर्टिकुलर टेरेन में जो नक्सल एडवांटेज लेते हैं वो ये लेते हैं कि इसको कार्डन करना बहुत मुश्किल होता है, और इसी का वो फ़ायदा उठाते हैं, और उनको पता है कि स्टॉप्स किन जगह पे लगते हैं, कहाँ पे गैप क्रिएट होते हैं, कहाँ पे सपोर्ट वेपन का फायर पावर यूज़ हो सकता है।
तो इन सब की जानकारी उन्होंने भी काफ़ी समय से ले ली है, लेकिन हम काफ़ी दिनों से अपने स्ट्रेटजी बदल चुके हैं और उस स्ट्रेटजी के तहत पुलिस और बीएसएफ अभी बहुत सी ऐसी स्ट्रेटजी को फॉलो कर रही है कि जिसको मीडिया के सामने बोलना ठीक नहीं होगा, लेकिन उन स्ट्रेटजीज में इनके पास भागने का बहुत बड़ा मतलब बहुत मुश्किल था। और यही हुआ कि हमने इस बार सिंपल कार्डन न लगा के और अपनी स्ट्रेटजी जो मैंने जैसा पहले ही बता दिया था कि हॉट परस्यूड में अलग अलग किया, और इसके लिए इस इलाकों में हमने प्रैक्टिस की, ऑपरेट किया, और इन इलाकों में हम पूरे डिटेल्स एट्रीब्यूट्स को इकट्ठा करके उनके हिसाब से हमने प्रैक्टिस की, वो सफलता मिली। और ऐसे में किसी भी नक्सल पार्टी के लिए एक बड़ा चैलेंज हो जाता है कि वो हमारे मुकाबले में सफल हो गए थे। अभी भी आसपास इलाका में रीइन्फोर्समेंट टीम द्वारा सर्चिंग की जा रही है, सर्चिंग के उपरांत डिटेल्स शेयर की जाएगी। नक्सलियों के शव मुख्यालय तक कब लाए जाएंगे? आगामी 2-3 घंटे में जो माओवादी के डेड बॉडी को नज़दीकी बेस कैंप तक लिया जा सकता है, और इसमें संभवतः नॉर्थ बस्तर डिवीजन और आबुजमा डिवीजन का डिविजनल कमेटी मेंबर्स जैसे शंकर, ललिता, राजू एवं अन्य माओवादी कैडर का उपस्थिति की आसूचना पर ही अभियान संचालित किए गए थे। डेड बॉडी की शिनाख्त के पश्चात हम कंफर्म कर पाएगा इनमें से कौन कौन सी माओवादियों का डेड बॉडी है और उनका क्या क्या प्रोफाइल रहा करके शिनाख्त के उपरांत हम उसको कन्फर्म करेगा। छत्तीसगढ़ पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी सफलता है क्या? जैसा हाल फिलहाल में माओवादियों का खिलाफ प्रभावी अभियान संचालित किए गए थे, इसमें अब तक संभवतः छत्तीसगढ़ में इस प्रकार का जो 29 माओवादी कैडर का डेड बॉडी शायद नहीं बरामद हुआ, संभवतः ये सबसे बड़ा जो रिकवरी के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा एक सफल अभियान के रूप में इसको देखा जा सकता है। कमांडो टीम का इंस्पेक्टर था, उसके पैर में गोली लगी है जो सबसे पहले अटैक में शामिल हुआ। आलोक जी, निश्चित तौर पे एक बड़ी सफलता है हमारे माध्यम से, जो जवान आपके देख रहे हैं जिस बहादुरी से लड़े, और उन जवानों के लिए क्या कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से आप? ये तो हमारे इंटरनल अरेंजमेंट हैं, डीजी पुलिस और सारे लोग कल इकट्ठा होंगे और उनके लिए हम मतलब और भी मतलब हम उनकी तरफ से रादर आपके मीडिया के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को पूरे पुलिस प्रशासन की तरफ से आश्वस्त करना चाहेंगे कि जब तक बीएसएफ के जवान हैं, क्योंकि हमारा मेन काम यहाँ पुलिस को मदद करना है, उनके डायरेक्शन पे काम करना है। एक आखिरी सवाल कि अभी तक अगर बात करें, क्योंकि बताया जा रहा है कि 18 नक्सल बॉडी रिकवर हो गई है, 29 या उससे ज़्यादा भी आंकड़ा बढ़ सकता है, अभी अगर करंट पोजीशन की बात करें आपकी फोर्स की, तो वो फोर्स अभी क्या जंगल में ही है कि वापस आ गई अपने कैंपों में, किस तरीके का मूवमेंट है? देखिए, इस जब भी ऑपरेशन फिनिश होता है तो फाइनल सर्च के बाद कुछ और एक्टिविटीज़ होती हैं, इनको बताना ठीक नहीं है, क्योंकि अभी भी हमें आशा है कि इस ऑपरेशन में जो नक्सल घायल हुए हैं तो हम और एक्टिविटीज़ करेंगे, तो ये ऑपरेशन तो लीड ऑन होगा, मतलब ये माना जाए कि ये ऑपरेशन अभी वहाँ पे चल रहा है, सर्चिंग ऑपरेशन जो है, सर्च ऑपरेशन हो चुका है और तकरीबन 29 नक्सल के मारे जाने की पुख्ता खबर है, लेकिन और जो नक्सल घायल हुए हैं और उसके आधार पे जो हमें और अपनी सूचना है उसके आधार पे हम और ऑपरेशन करेंगे, तो जल्दी ही आपको कुछ बड़ी खुशखबरी की सूचनाएं मिलेंगी। IBC 24 से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी। ये थे आलोक सिंह जी जो तो आलोक कुमार सिंह, BSF DIG को आप सुन रहे थे।